कंगना रनौत वकील इंदिरा जयसिंह पर खूब बरसी जब उनसे पूछा गया कि निर्भया के जो गैंगरेप के आरोपी हैं उनके बारे में माफ़ी मांग रही थी इंदिरा जयसिंह और कह रही थी कि निर्भया की मां को सोनिया गांधी की तरह उदाहरण पेश करना चाहिए और उनकी मृत्यु दंड को माफ़ कर देना चाहिए। जिसके बाद कंगना रनौत ने काफ़ी भयंकर अंदाज में कहा कि इंदिरा को कुछ दिनों के लिए जेल में उन चारों के साथ छोड़ देना चाहिए और फिर इंदिरा सही बता पाएंगी कि क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इंदिरा जयसिंह का यह बयान उस वक्त आया जब चारों की फांसी पर मोहर लग चुकी थी और इंदिरा जयसिंह का मानना था कि फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी, जो कि कई लोगों के गले नहीं उतरता कि अगर फांसी की सजा ही नहीं होगी तो लोगों में डर कैसा होगा। कोई भी 18-19 साल की उम्र में क्राइम कर देगा और ये सोचेगा कि अगर उम्र कैद भी मिली तो वो 20-25 साल बाद घर आ ही जाएगा और इसीलिए फांसी की सजा का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद निर्भया की माँ ने भी कंगना रनौत के इस बयान को थम्सअप कर दिया है और उन्होंने भी कंगना के इस बयान को निर्भया की मां ने भी पूरा समर्थन दिया है। जाहिर सी बात है, जो सोनिया गांधी ने किया वो एक अलग मैटर था और निर्भया की मां ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ही जघन्य अपराध था। जबकि राजीव गांधी एक पॉलिटिशियन थे, निर्भया जो थी उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। निर्भया की माँ उनका एक हंसता खेलता परिवार था और उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, जबकि एक देश के प्रधानमंत्री की कितने ही आतंकी संगठनों से, कितने ही देशों से दुश्मनी होती है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और ये सोनिया गांधी का फैसला था कि भैया उन्होंने माफ क्यों किया, क्या कहीं इसमें राजनीति नहीं थी? कभी उनको ऐसा लगा हो कि अगर वो माफ नहीं करेंगी तो उनको तमिलों से वोट ना मिले, जो कि काफी चौंकाने वाला निर्णय था उस वक्त जब सोनिया गांधी ने लिया था। खैर, जो राजनीति में होता है वो इस तरह के फैसले ले लेता है और उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो राजनीति से बाहर है और किसी का हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया, वो बिल्कुल भी इस तरह के फैसले नहीं ले सकता और निर्भया की माँ भी इस तरह का फैसला बिल्कुल भी नहीं ले सकती। और कंगना ने जिस तरह से निर्भया की माँ का सपोर्ट किया है और इंदिरा जयसिंह के बारे में बोला है वो यकीनन बिल्कुल सही है और अधिकतर लोगों को इस बात का समर्थन है कंगना के लिए और निर्भया की माँ के लिए। चारों को फांसी होनी ही चाहिए, अगर फांसी नहीं होगी तो ऐसे जघन्य अपराधों के लिए लोगों के दिमाग में डर कैसे बैठेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।